हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्यों वॉरेन बफेट नहीं बनना। मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। इनफैक्ट जब हम स्टार्टिंग करते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी की तो सबसे पहला नाम जो हमने सबने सुना है वो मिस्टर वॉरेन बफेट का है। बट आपको वॉरेन बफेट नहीं बनना, मुझे वॉरेन बफेट नहीं बनना अगर मुझे पैसा कमाना है। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करना चाहेंगे जो बहुत ही सिंपल है वो ये है कि आप वॉरेन बफेट हो ही नहीं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलोगे तो आप ज़्यादा कमाओगे, आप अपनी यू नो स्ट्रेंथ्स पे नहीं खेलोगे तो नहीं कमाने वाले। मिस्टर वॉरेन बफेट अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करते हैं। तो अगर आपका नेचर अलग है तो आपको ये चीज़ें देखनी है जो आपको सूट करें एंड उस बेसिस पे काम करना है। तो सिंस यू आर नॉट वॉरेन बफेट, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिटेंड टू बी वॉरेन बफेट। सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो काफ़ी पिछले काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। तो हम उनकी जब रिटर्न्स देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, तो हम पिछले बहुत ज़्यादा सालों के रिटर्न्स देखते हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत अनरियलिस्टिक है मोस्टली लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल की रिटर्न्स उनकी देखेंगे तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने लास्ट चेक किया था वो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे थे अपने पोर्टफोलियोस के अंदर। अगर आपने नैसडैक के अंदर ही पैसा डाला होता यूएस में तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता। बट वॉरेन बफेट ने टेक कंपनीज खरीदी ही नहीं, उन्होंने रिसेंटली एप्पल में जब स्टेक लिया था वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कर रही है उनकी। बट ही इज़ सिवियरली अंडर परफॉर्मिंग द यूएस मार्केट्स इन जनरल। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो नंबर्स आप लोगों को दिखाए जाते हैं बहुत शुगर कोटेड होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली नंबर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा मिस्टर वॉरेन बफेट हु इज़ डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर दैट एनी वन ऑफ हैज़ एवर हर्ड अबाउट और सीन, बहुत बुरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी टाइम से मार्केट्स। तीसरी चीज़ जो आपको समझनी ज़रूरी है कि मिस्टर वॉरेन बफेट के पास है इंश्योरेंस का बिज़नेस। जी हाँ, इंश्योरेंस का बिज़नेस अगर आपके पास होता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास फ्लोट होता है। फ्लोट का मतलब क्या है, अब देखिए जैसे मेरी ICICI लोम्बार्ड से हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है तो मैं ICICI लोम्बार्ड को हर साल पैसे देता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब हो और मैं उनसे वो क्लेम लूँ, बट मैं पैसे उनको देता जा रहा हूँ राइट हर साल। ऐसे ही कितने सारे लोग होंगे जो इंश्योरेंस बिजनेसेस को पैसा देते हैं बट क्लेम नहीं लेते, तो उससे आपको मिलता है फ्लोट। फ्लोट मिलने से क्या होता है कि आप उनको शेयर्स वगैरह में डिप्लॉय कर सकते हैं और सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती हैं। अब इंश्योरेंस का बिजनेस इतना आसान नहीं है, कहीं आप सोचो कि अरे यार कल को फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर लेता हूँ बहुत ही सही हो जाएगा शेयर मार्केट के लिए, हमारे पास तो खुली दुकान हो जाएगी, पैसे की बारिश होने लगेगी। ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस का बिज़नेस खुद से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी टफ बिज़नेस है और काफ़ी मैं कहूँगा ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर फेलियर रेट बहुत हाई है, तो हाई फेलियर रेट वाला बिज़नेस है। तो इंश्योरेंस का बिज़नेस इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको इस्टेब्लिश करने में, एक ब्रांड एक ट्रस्ट बनाने में। एंड कहीं ना कहीं उनके पास वो इंश्योरेंस बिज़नेस है तो उन्हें फ्लोट मिलता है, इसलिए वो ये इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं, अंडर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं मार्केट्स को तो चल जाते हैं, उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है। बट आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला। हम अपनी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सर्विस करते हैं, जो भी करते हैं उस बेसिस पे पैसा आता है, या शेयर मार्केट में ही काम करते हैं, लगाते हैं और उसी को फिर री इन्वेस्ट करते हैं, जब वो पैसा बढ़ जाता है तो हम उस बेसिस पे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि वॉरेन बफेट इन्वेस्ट कर रहे हैं US की मार्केट्स में। जी हाँ, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं US की मार्केट्स में। अब आप कहोगे जतिन तो कॉमन सेंस है यार, जब वो हैं US में तो US की मार्केट्स में लगाएंगे पैसा। बट यही कॉमन सेंस हम भूल जाते हैं। हम हैं इंडिया के अंदर, इंडिया की मार्केट्स अलग हैं, US की मार्केट्स अलग हैं। मुझे पता है आप में से कोई कहेगा टेक्निकल्स तो जतिन सेम ही होते हैं, चार्ट सेम होता है। अंडरस्टूड, बिल्कुल एग्री भी करता हूँ मैं कि टेक्निकल्स के जो चार्ट्स वगैरह वो आपके सेम होंगे, बट आप देखेंगे कि जिस टाइप के बिजनेसेस वहाँ चल रहे हैं, जो वैल्यूएशंस उन्हें मिल रही है वो यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ कुछ और बिजनेसेस को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। मार्केट्स को अलग अलग बिजनेसेस पसंद होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, इकोनॉमी वाइज ज्योग्राफी वाइज आपको देखना होता है कि कौन से बिजनेसेस आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं एंड उसी बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना होता है। सो प्लीज़ रिमेंबर ही इज़ इन्वेस्टिंग इन द US मार्केट्स, यू एंड मी वी आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग प्राइमरीली इन द इंडियन मार्केट्स। तो हमें यहाँ की मार्केट समझ के यहाँ पैसा लगाना है, मिस्टर वॉरेन बफेट के से हमें नहीं चलना। वो बहुत चीज़ें जो कहते हैं वो US मार्केट्स के लिए मे बी सही हो, इंडियन मार्केट्स में वो वर्क नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, वॉरेन बफेट ने यहाँ पे इंडिया के अंदर एक लिस्टेड कंपनी जिसका मुझे फुल पता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो थी ONGC। ONGC को हम सब ने देखा है 10-12-15 साल से कोई रिटर्न्स नहीं है। यस, अगर आप कोविड के लो से देखो, इधर से देखो उधर से देखो, वो आप सब्जेक्टिव बना दो डेटा, दैट इज़ फाइन, फिर तो आपको रिटर्न्स दिख जाएंगी। बट अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो एक लॉन्गर टर्म पीरियड के ऊपर तो रिटर्न्स नहीं है।
एंड ही बॉट इट बिकॉज वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपनी में, तो हमें भी दिखता है वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सबको दिखता है वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट शेयर नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर किस टाइप की कंपनीज चल रही हैं, उनसे कैसी रिटर्न्स आ रही हैं, वो किस हिसाब से कंपाउंड कर सकती हैं। एंड आपका फोकस बिल्कुल होना चाहिए कि आपको यहाँ से पैसा बना के निकलना है। बहुत लोगों को ना ये भी बड़ी गलतफहमी है, हमें सही होना ज़रूरी है, हम गलत ना हो जाएं, हम गलत ना बोल दें, हम हर चीज़ बिल्कुल सही करें। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है तब जब आप सही चीज़ बोलो और उस पर आपने एक्शन लिया और आप उससे पैसा कमाओ। अगर मैं आप लोगों को कोविड क्रैश के टाइम कह रहा था कि देखो मुझे नहीं समझ आ रहा और क्यों जा रहा है नीचे, कितना जाएगा, मैं खरीद रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्योंकि ख़रीदा, मैंने आप लोगों को बोला कि हम 7,500-8,000 के अराउंड से बाइंग शुरू कर चुके हैं और मैंने खुद से वो एक्शन लिया, तभी तो मैं पैसा कमा पाया बाज़ार से। अगर मैं आपको बोलता और लेट से वो हो भी जाता और मैं उस पर खुद से एक्शन नहीं लेता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे YouTube पे बहुत लोगों को था कि 4,000 पे आ जाएगा निफ्टी, 3,000 पे आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। बजाज फाइनेंस के टारगेट्स आप लोगों ने सुने होंगे, ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहे थे। ऐसे स्टूपिड टारगेट्स मैंने कभी नहीं देखे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि पहली बात नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं होना, सब अपनी समझ से ही यहाँ पे बात करते हैं। कोई मेरे को नहीं लगता कोई आपको इंटेंशनली मिसगाइड करेगा। सेकेंडली मैं नाम इसलिए भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को नाम ध्यान नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बजाज फाइनेंस के टारगेट 3 digits के दे रहे थे लोग कि ये यहाँ तक आ जाएगा, और मेरी यश से यही बात हो रही थी। मैंने कहा इन लोगों को ना बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, अगर बजाज फाइनेंस जैसी NBFC 3 digits में जाएगी तो बाकी बिजनेसेस तो ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लोग ना थिंक नहीं करते, सोचते नहीं है बोलने से पहले, वो ये नहीं सोचते कि वो जो वर्ड्स मुँह से निकाल रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा या वो किस बेसिस पर बोल रहे हैं। तो खैर जो भी है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने उस समय लिया, अगर नहीं लिया होता तो पहले पैसा नहीं कमाया होता। लेटर्स से कि मेरे को लग रहा होता कि मार्केट यहाँ से और नीचे भी जाएगी और मैं आपसे कह देता कि हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई है और नीचे जाएगा और मार्केट ऊपर चलनी शुरू हो जाती और फिर मैं अपनी गलती अगर करेक्ट नहीं करता तो भी मैं इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता, क्योंकि मैं ही फंसता ना, मैं तो पैसा नहीं कमा रहा, ऊपर से मैं आप लोगों को मिसगाइड और कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी रहता है मार्केट्स के अंदर, आप खाली इस पर ध्यान ना दें कि आप सही हैं या गलत हैं। जब आप सही हैं तो किस क्वांटम से सही हैं और जब गलत हैं तो कितने कम क्वांटम से गलत हैं, कितना कम आपने डैमेज लिया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करें, हम्बल रहें, एक अच्छे इंसान बने। मैं अपने टेलीग्राम में सबको कहता हूँ और जब कोई टेलीग्राम में एनरोल होना चाहता है मैं कहता हूँ कि आपको एक बेटर इन्वेस्टर, एक बेटर ट्रेडर, एक बेटर ह्यूमन बींग बनाने का काम है मेरा। अगर आप अच्छे से यहाँ पे समझने लग जाएंगे चीज़ों को, हम्बल हो जाएंगे चीज़ों को लेके, आप समझने लगेंगे कि कितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है और कितना ब्यूटीफुली सब कुछ वर्क करता है फिर भी, तो आप खुद से बहुत शांत ढंग से यहाँ से पैसा बनाने लगेंगे। यहाँ पे परेशान वही होता है जिसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। अगर आपका मन बेचैन है शेयर बाज़ार में तो फिर आप डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्थिरता नहीं आ पाएगी, वो ठहराव नहीं आएगा आपके काम में। अगर वो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट्स तो भैया वॉलीटिलिटी कम नहीं करने वाली। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फिफ्थ और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो थोड़ा मोटिवेट करेगा शायद आप लोगों को, वो ये है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम मिस्टर वॉरेन बफेट को आउट परफॉर्म करें। हमें मिस्टर वॉरेन बफेट जितनी रिटर्न्स नहीं जनरेट करनी, हमें उन्हें आउट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है और हमें अपना अगेन बेस्ट करना है। बट अगर आप एक माइलस्टोन भी ले रहे हो तो 20% की कंपाउंडिंग इंडिया में माइलस्टोन मत बनाओ जो उनकी आ रही है। आप माइलस्टोन यहाँ पे लो 25% का कि 3 साल में मैं पैसा डबल करूँ, राइट? एंड इट्स स्टिल आई वुड से वेरी वेरी अनरियलिस्टिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो पैसिवली काम करते हैं यहाँ पे। बट अगर आपको सेट करना ही है ना अपना गोल, तो गोल बड़ा सेट करो, गोल छोटे सेट मत करो। 20% आप कहोगे वॉरेन बफेट की कंपाउंडिंग आती है, मेरी 15 आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। आप करेंसी डिप्रिसिएशन तो भूल ही जाओगे रुपी का उसके अंदर, राइट? तो आप कोशिश करो, अगर आपको रिटर्न्स लानी है आप एब्सोल्यूट टर्म्स में आउट परफॉर्म करें मिस्टर वॉरेन बफेट को। आपका गोल ये होना चाहिए, आपका गोल ये भी होना चाहिए मुझे जतिन को आउट परफॉर्म करना है, मुझे मनी क्राफ्ट को आउट परफॉर्म करना है, मुझे अपना बेस्ट करना है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है, बहुत रिटर्न्स यहाँ से लानी है, मार्केट में एथिकली ढंग से काम करना है, समझ के काम करना है, समझ के काम करना बहुत ज़रूरी है। बट आपका गोल वो होना चाहिए। अगर आपका गोल ही छोटा होगा ना तो फिर आप देखोगे, एक रियलिस्टिक गोल इज़ फाइन, बट बहुत लोग क्या करते हैं रियलिस्टिक गोल को भी तोड़ मोड़ के बहुत छोटा कर देते हैं या वो सोच ही नहीं पाते कि इसके आगे भी कुछ होगा। तो वो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वो सोचेंगे आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपका माइंड आपको पुश करेगा अलग अलग डायरेक्शंस में, और जैसे जैसे आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे ना आप देखोगे काम होने लगेगा, आपको कहीं ना कहीं से लोग भी मिलने लगेंगे जो आपकी हेल्प कर सकेंगे। इनफैक्ट गूगल और यूट्यूब के एल्गोरिदम इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे अब आजकल जैसे कुछ सुनना होता है, कुछ समझना होता है, चलो जैसे फॉर एग्जांपल वेदांत को लेके मुझे कुछ समझना है, मेरे को कोई डाउट्स आ रहे हैं तो किसी टेक्स्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं उसको ये अगर सर्च कर रहा हूँ ना तो आसपास का सारा कंटेंट वो उठा के दे देता है, एंड आई वुड से विद इन द नेक्स्ट 1 आवर ऑफ सर्फिंग मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं एल्गोरिदम्स बहुत अच्छी हो गई हैं इन सब की। डिसएडवांटेजेस हैं बट एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर आप मिस्टर वॉरेन बफेट का आउट परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें सीखना शुरू करें जो आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। अगर आप वो चीज़ें सीखेंगे, चाहे वो फंडामेंटल्स के बेसिस पे, चाहे टेक्निकल्स के बेसिस पे हो, चाहे आप बहुत होशियार हो, आपको एल्गोरिदम ट्रेडिंग समझ आती हो, वो करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो उस बेसिस पे आप सीखें, समझें, इवॉल्व करें अपने आप को एंड फिर आप अपनी रिटर्न्स को एनहांस करें। अगर आप मिस्टर वॉरेन बफेट जितनी ही परफॉर्मेंस लाना चाहेंगे ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ मनी क्राफ्ट के पास आ जाओ। वी हैव डन 31% की कंपाउंडिंग इन द लास्ट 3.5 ईयर्स। 31% की कंपाउंडिंग आई है अगस्त एंड तक की रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर महीने की अभी हमने नहीं ली है, राइट? तो आपका टारगेट होना चाहिए हमें भी आउट परफॉर्म करने का, बफेट को भी आउट परफॉर्म करने का और अल्टीमेटली अपना बेस्ट करने का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे 15% कंपाउंडिंग से, सामने वाले के होंगे 20% की कंपाउंडिंग से, तो आप 15 के ऊपर रिस्क मत लो ज़बरदस्ती का। तो आपको अगेन काम अपने हिसाब से करना है, बट अगर आपको गोल सेट करना है ना, उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, तो गोल करो बड़ा सेट। अब अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं मार्केट्स के अंदर, तो एलन मार्केट्स हैज ऑफर्ड अ फ्री कोर्स, अगेन अ फ्री कोर्स फॉर द कम्युनिटी ऑफ द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। एंड आप जाके उस कोर्स में बुल 100 कूपन कोड लगाएंगे तो कोर्स फ्री हो जाएगा, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। एलन मार्केट्स पे आप साइन अप कर सकते हैं। मिस्टर विवेक बजाज हैं, उनकी कंपनी है एलन मार्केट्स, इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्स, इसलिए हमने उनके साथ पार्टनर किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो एक फ्री कोर्स हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक बुक इन दिनों जो पढ़ रहा हूँ है डायमंड्स इन द डस्ट बाय मिस्टर सौरभ मुखर्जी, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं उसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत शानदार किताब है। वी आर गोइंग टू हैव एन एक्टिव डिस्कशन ऑन दैट बुक ऑन आर टेलीग्राम चैनल, बट हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्निपेट शेयर करते रहेंगे। इनफैक्ट जो आप लोगों के लिए HDFC AMC का पॉडकास्ट मंडे को आया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मैंने उस बुक का ही जिक्र किया था, तो उसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। बट दैट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बुक इफ़ यू वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड इन टू द मार्केट्स एंड इन्वेस्ट इन टू द मार्केट्स। उनके बुक है कॉफी कैन पोर्टफोलियो करके, वो भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं सबका ही लिंक डाल दूंगा, आपको जो मंगानी हो आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, इन दिनों सेल भी चल रही है अमेजोन पे, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ये वीडियो आपके लिए ट्यूसडे को आ रही है एंड कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर कहीं से शुरुआत करनी है ना, तो बहुत लोग यहाँ पे ना ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि पहले पैसा कमा लें फिर इन्वेस्ट करेंगे। यश और मैंने उल्टा किया, हमने पहले इन्वेस्ट किया। यस इट टुक अस 5 to 6 years टू बिल्ड आवर पोर्टफोलियोस, बट वो पहले 5-6 साल हमने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। मैं आपको नहीं बता सकता कि हमें कितना कंफर्ट रहता है, बिकॉज आर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज कैन कुशन एनी डैमेज, दे कैन टेक एनी थिंग थ्रोन एट देम। ट्रेडिंग में मेरे को कितना भी बड़ा झटका लग जाए, मेरा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो सब चीज़ संभाल लेता है। तो जो मेंटल पीस रहता है ना एक, उसकी वजह से मैं ट्रेडिंग बेटर कर पाता हूँ, सेलेक्टिव कर पाता हूँ और कहीं ना कहीं रिटर्न्स भी हायर जनरेट कर पाता हूँ। तो मेरे लिए बेटर रहा कि मैंने पहले इन्वेस्टिंग करी और उसके बाद ट्रेडिंग करी। अगेन माई स्ट्रेंथ इज़ पेशेंस, माई स्ट्रेंथ इज़ आई गो इन टू डीप डाइव, जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आई गो डाउन द रैबिट होल और उसके अंदर बिल्कुल समझ के हम बाहर निकलते हैं। एंड जो चीज़ नहीं समझ आती उसमें पंगे नहीं लेते जबरदस्ती के, वी हैव अ वेरी वेरी स्मॉल एलोकेशन फियर ऑफ मिसिंग आउट को प्ले करने का, उसके सिवाय हम कुछ भी दिमाग नहीं लगा। दिस इज़ वॉट आई डिड, आई स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग देन आई वेंट टू ट्रेडिंग। बट अगर आपको लगता है कि जतिन दिस वॉन्ट वर्क फॉर मी बिकॉज आई नीड टू जनरेट रेगुलर इनकम, मेरे को ट्रेडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट मैंने आपको अपना बताया है, दैट इज़ हाउ आई हैव बिल्ट माई वेल्थ, दैट इज़ हाउ आई हैव लिव थ्रू द मार्केट्स, मैंने किस तरीके से यहाँ पे पैसा कमाया है। ओवर हियर वंस आई बिकेम एन इन्वेस्टर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, मेरे को लगा कि हाँ शेयर मार्केट्स आर गुड इनफ फॉर मी, मैं इसको समझ सकता हूँ, मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ। एंड जब मेरा पैसा बनने लगा उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का हमने स्टैम्प लिया है, वो सेबी से मनी क्राफ्ट के लिए, कि हम किसी को भी जेन्युइनली किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प कर सकें। एंड अगर आप मनी क्राफ्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, मुझे ज़रूर बताएं कि इन 5 पॉइंट्स में से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है और क्या आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। वीडियो है तो मैंने कहा टॉप 5 पॉइंट्स कर लेते हैं, बट अगर कोई और ऐसा पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू गेट इन टू अ कॉन्वर्जेशन ओवर देयर। एंड कमेंट सेक्शन को इंटरेक्टिव बनाते हैं भैया, करो थोड़े कमेंट्स डालो वहाँ पे नीचे, देखते हैं मेरे को भी पता चलेगा आपके व्यूज़ क्या हैं, आप किनको फॉलो करते हैं मुझे वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड लेट अस सी, हो सकता है मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिले एंड मेरे को कोई और जना मिले जिसको मैं फॉलो करके बहुत चीज़ें सीख सकता हूँ। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, जय हिंद।